नीमच में कांग्रेस की जिला प्रभारी नूरी खान ने कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण नारी सम्मान योजना का शुभारंभ वार्ड नंबर 13 से किया। नूरी खान ने मंगलवार को वार्ड में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति में योजना के फॉर्म भरे। इस दौरान कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर 25 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद योगेश प्रजापति के इस वार्ड से योजना का शुभारंभ महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वार्ड से 25 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नूरी खान ने कहा कि भाजपा की शिवराज सरकार आम जनता की परेशानियां बढ़ाने वाली सरकार है। आज महंगाई चरम पर है, रोजगार घट गए हैं, सत्ता के लालच में भाजपा ने कमलनाथ जी की सरकार को चलने नहीं दिया। नारी सम्मान योजना के फायदे बताते हुए नूरी खान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे और 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। नूरी खान ने कहा, कमलनाथ जी के मन में वाल्मीकि समाज के प्रति विशेष लगाव रहा है। कार्यक्रम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, नंदकिशोर पटेल, उमराव सिंह गुर्जर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राजकुमार रहीर मंगेश शंघई, आशा सांभर, राकेश अहीर, मुकेश कालरा, राजकुमार रहीर, सत्यनारायण पाटीदार, साबिर मसूदी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वार्ड पार्षद योगेश प्रजापति ने किया।